कोहिनूर हीरा उस समय का सबसे बेशकीमती हीरा था। ऐसा लगता है कि ओकरा से बढ़िया हीरे ना है। हम महारानी के ताज में लगा हुआ है, हम लोग दबाव बना के लाएंगे तो बवाल होगा, इसके लिए ऐसा कुछ स्थिति बनेगी। हैदराबाद सिकंदराबाद नीचे लिखा है गोलकुंडा, गोलकुंडा के खान से निकाला गया था कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। और काकतिया वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास था। काकतिया वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव इससे यह हीरा ले लिया अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के बाद चला गया यह तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश। अब मुगल वंश को हरा को लूट के लेके चल गया नादिर शाह ईरान। नादिर शाह को हरा दिया पश्तून वालों को हरा दिया सिख शासकों ने, और सिख शासकों को हरा दिया अंग्रेजों ने। सिखों को किसने हरा दिया? अंग्रेजों ने। और अंग्रेज लेके चल गए महारानी के ताज में लगा दिया कोहिनूर हीरा। उस समय का सबसे बेशकीमती हीरा था। इस हीरे के पास ऐतिहासिक महत्व ज्यादा है। जैसे कोहिनूर हीरा फेमस हो गया, ऐसा लगता है कि ओकरा से बढ़िया हीरे ना है। ऐतिहासिक महत्व है। टाइटेनिक जहाज, ओकरा से बड़ बड़ जहाज भारत में बन के रेडी है, नहीं जाने, लेकिन उसका ऐतिहासिक महत्व था। पहले दिन डूब गया ससुरा, पता ही पहले दिन डूब, हाँ, जाके पानी वाले बर्फ में ले जाकर ठोक दिए जाए यहाँ पे। खैर उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, रडार नहीं था। आजकल तो जहाज में रडार आ गए हैं सब। अभी एगो धनबाद में जहाज गिर गया, कले गिरा है, और दू गो टकराने से बचा था यहाँ पर। ये इंडिया का एक नेपाल का जहाज टकराने से, तो उससे पहले हम आप लोग को नहीं वीडियो बना दिए थे टीका सिस्टम। अभी कल वीडियो दो जहाज को टकराने, परसों टकराने से बचा है, और उसको खूब अच्छा समझाए हैं। अरे देख लिया होगा तभी तो बचा है। पास पास आ गए थे सब वहां पर। टीका सिस्टम जहाज का है। आप ट्रैफिक एवॉइडेंस कोलिजन से क्या करता है? बचाता है। आप जहाज के बारे में कैसे पता? अरे तुम आम खाओ ना, पेड़ काहे गिनते हो? आगे बढ़ जाए तो बताइए, ये हैदराबाद, ये कोहिनूर हीरा का गोलकुंडा, उसका ऐतिहासिक महत्व तो बहुत ज्यादा है। अब महारानी के ताज में लगा हुआ है, हम लोग दबाव बना के लाएंगे तो बवाल होगा, क्योंकि किसी भी देश के लिए वहां की जनता क्या करेगी, समझ में आ गया कि नहीं? वो करेगी, इसके लिए ऐसा कुछ स्थिति बनेगी कि ओकरे यहाँ बहुत दिक्कत हो, खाने पीना घट जाए, गेहूं चावल घट जाए, तब हो जाएगा कि भाई तुम एक काम करते हैं, तुम ले लो गेहूं चावल यहाँ से, हमरा वो लौटा दो। यही ना होगा, क्योंकि हमें दोनों ओर के सेंटिमेंट्स को ध्यान रखना होता। अभी वहां पे भारत का तिरंगा झंडा को नीचे कर दिए, हम लोग भी उनके ऊंचाइयों का व्यवस्था कर दिए। हम लोग भी समझ में आ गया कि नहीं? दिल्ली जाइएगा ना इंडिया गेट के पास, चाणक्यपुरी में खूब ज्यादा दूतावास मिलेगा, समझ में आ गई? नहीं, वहीं पे ब्रिटेन का दूतावास था, उसके सामने में भारत सरकार टॉयलेट बना रही है। अब बताइए भारत का सरकारी टॉयलेट रद्द करके रख दे। वारंगल जो है यहीं के राजा थे प्रताप रुद्रदेव, जिनके पास था कोहिनूर हीरा, ले लिया अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी के बाद गया तुगलक वंश का सैयद के बाद लोदी के बाद मुगल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह पे हमला कर दिया नादिर, हीरा ले गया ईरान, और हार गया पश्तून दुरानी से, पश्तूनों से हार गया, और उनको हरा दिया सिखों को हरा दिया अंग्रेज। अभी हीरा ब्रिटेन की महारानी के पास ताज में लगा दिया गया।